दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की टॉप 10 सैड रोमांटिक मूवीज, जिन्हें आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सारी रोमांटिक मूवीज की स्टोरीज इतनी ज्यादा सैड है कि आपको लिटरली रुलाएंगी। मुझे ये मूवीज कितनी ज्यादा इमोशनल लगी, इसी हिसाब से मैंने इन्हें से टॉप 10 काउंटडाउन में रैंकिंग दी है। तो इन टॉप 10 सैड रोमांटिक मूवीज के काउंटडाउन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। नंबर टेन पर है अ वॉक टू रिमेम्बर। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2002 में रिलीज किया गया था। मूवी में हमें दो ऐसे लोगों के बीच में रोमांस दिखाया गया है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लड़का काफी घमंडी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का रहता है और वहीं दूसरी तरफ लड़की सीधी साधी पढ़ाकू और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का रहती है। तो इन दो अनकॉमन लवर्स की मुलाकात कैसे होती है और इनका यह रोमांस कब और कैसे सैड रोमांस में बदल जाता है, यह आप खुद इस मूवी को देखकर जानिए। दोस्तों आप सभी लोग विलियम शेक्सपियर को तो जानते ही होंगे, वो इंग्लैंड के काफी फेमस प्ले राइट और पोएट थे। तो मैंने नंबर 9 पर उन्हीं की लव स्टोरी पर बनी मूवी को रखा है, शेक्सपियर इन लव, जिसे रिलीज किया गया था साल 1998 में। मैं आपको इस मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ आई थिंक वही इनफ है आपको इस मूवी को देखने से मजबूर करने में। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्कर अवार्ड की। इस मूवी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, 7 अलग अलग कैटेगरी में। नंबर एट पर है पीएस आई लव यू। कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2007 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है हॉली नाम की औरत से, जो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा समय अकेले घर में ही बिताने लगती है। पर उसके 13th बर्थडे के दिन उसके घर पर बर्थडे केक के साथ एक ऑडियो टेप डिलीवर होता है, जिस टेप को प्ले करने पर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने मरने से पहले कुछ लेटर्स लिखे थे जो हर महीने उसे मिलते रहेंगे और उस लेटर में जो भी लिखा होगा उसे करना पड़ेगा। तो अब आप मूवी में देखिए कि हॉली का हस्बैंड लेटर्स के जरिए उससे क्या क्या चीजें करवाता है और ये लेटर्स आखिरकार उसे किस ओर लेकर जाते हैं। नंबर सेवन पर है द वॉ। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2012 में रिलीज किया गया था। ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें दिखाया गया है एक न्यूली मैरिड कपल लियो और पेज को, जिनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में पेज कोमा में चली जाती है और जब उसे होश आता है तो अपने हस्बैंड लियो को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि लगभग उसकी पिछले 5 साल की मेमोरीज डिसअपीयर्ड हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। तो लियो एक बार फिर से अपनी वाइफ का दिल जीतने के लिए सारे मुमकिन कोशिश करने लगता है। तो क्या लियो इस कोशिश में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये इस मूवी में देखने लायक है। नंबर सिक्स पर है रिमेम्बर मी। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2010 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी शुरू होती है टाइलर नाम के एक यंग आदमी से, जिसकी अपने फादर से ज्यादा जमती नहीं है और वह हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, उदास रहता है। एक दिन टाइलर की मुलाकात एक यंग औरत से होती है, जिसके साथ रहकर उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। दोस्तों यह मूवी हमें काफी ज्यादा सरप्राइज भी करती है, कब और कैसे सरप्राइज करती है ये आप खुद इस मूवी को देखकर जानिए। नंबर फाइव पर है द बेस्ट ऑफ मी। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2014 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी शुरू होती है डॉशन और अमांडा नाम के दो हाई स्कूल टीनेजर से, जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन किसी वजह से इन्हें बिछड़ना पड़ता है। 20 साल बाद अपने किसी चहेते के फ्यूनरल पर इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बता दूं कि 20 साल बाद डॉशन सिंगल रहता है, लेकिन अमांडा शादीशुदा रहती है, और यही चीज मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है जब ये दोनों 20 साल बाद फिर से मिलते हैं। नंबर फोर पर है 5 फीट अपार्ट। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में दो टीनेजर के बीच में रोमांस दिखाया गया है, लेकिन सैड बात यह है कि इन दोनों को लंग से रिलेटेड सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी रहती है, जिससे इन्हें एक दूसरे से 5 फीट की दूरी बनाकर रखना है। अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन की वजह से इनकी यह बीमारी और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। इन दो करेक्टर के अलावा हमें इस मूवी में एक थर्ड करेक्टर भी देखने को मिलता है, और इस थर्ड करेक्टर की वजह से मैंने इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय किया। नंबर थ्री पर है मी बिफोर यू। ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टोरी इसी नाम से पब्लिश की गई बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया गया है लुइजा नाम के एक यंग औरत को, जो हाल ही में पैरालाइज्ड हुए एक अमीर आदमी का देखभाल करने के लिए जाती है, और धीरे धीरे इन दोनों में एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड डेवलप होने लगता है। नंबर टू पर है मैरिज स्टोरी।
कॉमेडी ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी इस मूवी को साल 2019 में रिलीज किया गया था। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक हैप्पीली मैरिड कपल धीरे धीरे डिवोर्स के कगार पर पहुंचता है, जिसके बाद अपने एक बेटे की ज्यादा से ज्यादा कस्टडी पाने के लिए इन्हें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। दोस्तों, ये मूवी सिर्फ उन्हें ही पसंद आएगी जो मूवीज को काफी ध्यान से और पेशेंस के साथ देखते हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग इस मूवी से कनेक्ट हो पाएंगे और ये मूवीज उन्हें काफी इमोशनल करेगी। इस मूवी को 6 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इस मूवी ने एक ऑस्कर अवार्ड जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में। नंबर वन पर मैंने साल 2014 में कॉमेडी ड्रामा और रोमांस के जॉनरा पर बनी मूवी को रखा है, जिसका नाम है द फॉल्ट इन अवर स्टार्स। मूवी शुरू होती है हेजल ग्रेस नाम के 16 साल के एक कैंसर पेशेंट से, जो अपने पेरेंट्स के कहने पर एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात अगस्टस वाटर्स नाम के लड़के से होती है, जिसके बाद ये दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगते हैं और इवेंचुअली इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, मैंने इस मूवी को नंबर वन पर इसलिए रखा है क्योंकि इस मूवी ने मुझे सच में रुलाया। इस मूवी के इमोशनल सीन्स को देखकर मेरे आंखों और गले में दर्द होने लगा था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने अपने इमोशंस को दबा कर रखा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी हॉलीवुड की टॉप 10 सैड रोमांटिक मूवीज, जिन्हें देखकर कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से मूवीज को देखकर अपनी वीडियो के जरिए आपको रिकमेंड करता रहूं, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से मेरी आने वाली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इन 10 बेहतरीन मूवीज को देखिए।